ये देखें जी, इस साइज़ के मैं बॉल्स बना रही हूँ। इसमें पानी कोई नहीं है, ये सिर्फ बटर है, ये खालिस बटर इसमें से निकल आया है। और इस तरह मैं सारे बॉल्स बना के इसको मक्खन को लस्सी से अलग कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सास बहू के किचन में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। और आज हम अपने किचन में आपको बनाना सिखा रहे हैं घर का देसी घी, कि आपने घर पे देसी घी कैसे बनाना है। मक्खन और देसी घी, मक्खन तो आई थिंक यूज़ नहीं इतना होता होगा घर का, लेकिन देसी घी आपको पता है बाज़ार में काफ़ी महंगा है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आज हम आपको इजी तरीका सिखाएंगे घर पे आप देसी घी कैसे बना सकते हैं। ये मेरे पास बलाई है दूध की, जो आप डेली घर पे दूध बॉयल करते हैं उसकी बलाई उतार के आप किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र वगैरह में रखते होंगे। तो ये वो जितने मेरे पास इकट्ठी हुई हुई थी वो सारी मैंने निकाल के एक बड़े पतीले में डाल लिए। और इसको मैंने रात को जब वो बाहर निकाल के बॉक्सेस रखे थे क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज थे, तो उसके बाद वो जब सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें डाल दिया। लेकिन अभी ये जो है वो हल्का हल्का ठंडा है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको चूल्हे पर रख के इसको हल्का सा बस नीम गर्म करना है, गर्म ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके इसको जाग लगा देंगे। ये हमने बलाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा, पकाना नहीं है इसको। ये देखें अभी भी ये मोटे मोटे अंदर सारा इसके ये चीज़ है। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 चम्मच भर भर के दही के ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसको ढक्कन दे के किसी वॉर्म प्लेस पे, लाइक किचन वॉर्म ही होता है तो आप किचन में किसी कोने पे इसको रख दें। ये इसका ढक्कन दे के हम इसको रख देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये मैंने जब आपके सामने इसको दही का जाग लगा दिया था और उसके बाद जो है वो 2 दिन, परसों मैंने इसको जाग लगाई थी और आज दूसरा दिन है। वो भी इसलिए कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये इसको थोड़ा सा इस होने में टाइम लगता है, तो गर्मियां हो अगर तो 1 दिन में भी ये काम हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि आपको ये येलो येलो सा ऊपर से सारा नज़र आ रहा है और ये फूला फूला सा ये चीज़, ये देखें ये चीज़ इसकी हो गई है। अब मेरे पास ये मौजूद है हैंड ब्लेंडर, ये आपके पास होगा बीटर जो आप केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आप लोग इस चीज़ की मदद से इसको निकाल सकते हैं इसका घी। तो इन चीज़ों ने काम बड़ा आसान कर दिया है। पहले जो औरतें हैं वो वो लकड़ी की वो मदानी टाइप जो चीज़ होती है उसके साथ ये घी निकाला जाता था, तो अब ये काम बड़ा आसान है। तो जितना आसान है उतना हम लोग आई थिंक इस चीज़ का करते हैं कि टाइम नहीं है, निकाल नहीं सकते, इतना महंगा देसी घी है तो आप लोग घर पे बनाएं। और ये मैं आपको इजी मेथड इसका बता रही हूँ। इसके अंदर अब आप अच्छे तरीके से इसको बीटर को चलाएंगे। अच्छे तरीके से मैं 5-7 मिनट इसको इसके अंदर चलाऊंगी। ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ऊपर मक्खन इसका निकलना शुरू हो गया, इसका कलर ऑलरेडी येलो येलो हो गया। इसको मैंने अब 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से ये बीटर इसमें चलाया है और आप इसको आप देख सकते हैं कि आपको ये बीच में येलो येलो सा नज़र आ रहा है कि इसका मक्खन जो है वो निकल आया है। इसमें मैं अब थोड़ा सा जो है वो ताज़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा बीटर मैं फिर से चलाऊंगी। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैंने जो है वो पानी रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, ये देखें आप बड़ा सा एक कैन है मेरे पास और इसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ था फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए, तो मैं चिल्ड वाटर जो है वो इसमें ऐड करूंगी। उससे ये होगा कि ये जमना स्टार्ट होगा और फिर हम इसका मक्खन बिल्कुल रायता करके इसको निकाल लेंगे। ग्रेजुअली आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा डालना है और फिर मैं इसमें बीटर चलाऊंगी। इसको चला लेंगे अब हम, ये आपने ज़रा एहतियात से चलाना है ताकि ये पानी इसमें सारा मिक्स हो जाए। और ये आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसमें ठंडा पानी ऐड होगा ये फुटकियाँ बन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट किया था, अब मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। ये देखें पानी मेरा इतना चिल्ड है कि उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आ रही है, ये ठंडा होना चाहिए पानी आपका। अब मैं फिर चलाऊँगी, ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग फुटकियाँ सी इसकी बन गई हैं, इट्स मीन के इसका मक्खन जो है वो निकल रहा है।
ठंडा पानी ऐड करती जा रही हूँ और बीट करती जा रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको बीटर से लाएंगे। ये देखें जी, इसमें सारा पानी ऐड कर दिया है और ये कितना मज़ेदार सा एक इसका वो पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न से लग रहे हैं ये। ऊपर इसका सारा मक्खन जो है वो निकल आया है और पतीले से बाहर आना स्टार्ट हो गया। अब मैं ये बंद करूँगी। ये देखें, ये सारा इसका मक्खन है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरह ही छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें चिल्ड वाटर ऐड है तो ये उस ठंडे पानी की वजह से जम जाएगा ऊपर, और फिर मैं इसको ऊपर से निकालूँगी। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ आइस, मेरे पास है, और ये मैं इसके अंदर डाल के इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। नाउ इसमें मैं बर्फ़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें, सारी बर्फ़ इसी तरह मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये उसी से जम जाएगा सारा। और फिर मैं इसको ऊपर से निकाल के वो भी आपको बताऊँगी कि मैंने इसको निकालना कैसे। बड़ी एहतियात से आपने सारी बर्फ़ इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा भाई गर्ल्स, मेरी बात सुने, इसको बनाने वक्त ना ज़रा थोड़ा सा मेस इधर उधर हो जाता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपने हाथ में स्पंज रखें और इसको आप साथ साथ साफ़ करती रहें, क्योंकि इसमें हमने वाटर ऐड किया है तो ये मक्खन ऊपर आ गया सारा, जिसकी वजह से इसका जो पानी है, लस्सी जो इसकी होती है, वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रही है। तो साथ साथ सफाई करती रहें। लें जी, अब आ गया है जी सबसे मज़े का पार्ट, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। और जब भी मैं ये चीज़ करती हूँ तो मुझे मेरी दादी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो इस तरह से बनाती थी और मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी कि दादी अम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है ये करने का। और उनसे फिर वही चीज़ मेरी अम्मी ने सीखी तो वो करती थी, तो मैं उनको देखती थी और आज वही चीज़ जो है वो मैं करती हूँ। तो अब हमने इसको जो है वो बर्फ़ लग क्योंकि डाली थी, तो अब ये हम इसमें से बटर को निकालेंगे और उसके बॉल्स बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा ज़रा एहतियात से बीच में से लूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी, आपने पकड़ते जाना है और इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते जाना है, लाइक इसके अंदर से इसकी जो लस्सी है यानी कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। इस तरह से आपने प्यारे प्यारे से बॉल्स बना लेने हैं। ये देखें जी, इस साइज़ के मैं बॉल्स बना रही हूँ। इसमें पानी कोई नहीं है, ये सिर्फ बटर है, ये खालिस बटर इसमें से निकल आया है। और इस तरह मैं सारे बॉल्स बना के इसको मक्खन को लस्सी से अलग कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सारा इसके अंदर से जो है वो मक्खन निकाल लिया है। ये प्यारे प्यारे से बॉल्स बना के मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये इतना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ऑफकोर्स वीडियोज़ में हम आपको सब कुछ तो अभी वो शो नहीं कर सकते। इसके बाद में ये सारे बॉल्स को एक दूसरे देगचे में डाल के, छोटी पतीली ले लें या जो भी जिसमें आपका ये पूरा आ जाए, उसके बाद में इसको चूल्हे पर रखूँगी। और ये जो लस्सी है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने साइड से ये वाला मक्खन उतारा नहीं है, इसको मैं इसी तरह रहने दूंगी। और इसकी हम बनाएंगे जी कढ़ी। कई लोग दही के साथ कढ़ी बनाते हैं और कई लोग लस्सी के साथ कढ़ी बनाते हैं, तो अब हम आपको सिखाएंगे जी कि घर पे जब आपने मक्खन निकालना है और देसी घी बनाना है तो उसकी लस्सी को वेस्ट नहीं करना। उसके साथ हम आपको कढ़ी बनाना सिखाएंगे। इसको हम इसी तरह से रख देंगे और नेक्स्ट जो है वीडियो हम कढ़ी की बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रोसीजर। ये सारा मैंने मक्खन जो है वो एक छोटी पतीली में डाल दिया है और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ये सारे बॉल्स जो हैं इसमें मेल्ट हो जाएंगे और फिर इसका जो है वो देसी घी तैयार हो जाएगा। इसके मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसके सारे बॉल्स जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं, इनके सारा बटर इसका जो है वो मेल्ट हो गया है। ऊपर एक झाग है, इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये झाग ख़त्म नहीं हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो घी का कलर चेंज हो जाएगा, वो येलोइश प्यारा सा जो कलर आता है वो नहीं आएगा। ये भी आप देखें इसके अंदर, ये देखें, ये देखें येलो येलो। इसका जब झाग ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा ऑयल आपको क्लियरली नज़र आएगा। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये झाग इसके ऊपर है। ये देखें व्यूअर्स, ये झाग ऊपर से ख़त्म हो गया है और ये देखें इसमें बॉयल्स आ रहे हैं। और ये हमारा देसी घी जो है वो रेडी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो छाज रह जाता है वो जल जाता है जब, तो ऊपर सारा ऑयल निकल आता है।
लेकिन उससे ये होता है कि आपका ऑयल, ये जो देसी घी है उसका कलर इतना डार्क हो जाता है, इसको डार्क नहीं होना चाहिए, इसका कलर इस तरह से होना चाहिए, येलो कलर, खूबसूरत येलो कलर। और इसके अंदर जो छाछ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आहिस्ता से चम्मच को मैंने हिलाया, ये देखें ये छाछ है। और इसके साथ भी एक स्वीट बनती है, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है अगर आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो इससे एक स्वीट बनती है। लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी और कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ फैट्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं खाने की। बस इसके साथ हम देसी घी ही बनाएंगे। और क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आसान तरीके बताऊंगी, तो अब मैं इसका फ्लेम बंद करूंगी और इसको मैं बाहर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इस पतीले को इसी तरह उठा के फ्रिज में रख दूंगी। उससे ये होगा कि ऊपर सारा घी जम जाएगा और जो छाछ है वो नीचे बैठ जाएगा। तो फिर हम ऊपर छोटा सा एक होल करेंगे और वहाँ से हम सारा उसको बाहर निकाल लेंगे, और वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखें जी व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताया था कि मैं इसी तरह इसको जो है वो फ्रिज में रखूंगी, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको फ्रिज पे रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था एक्चुअली। तो अब हमने इसको बाहर निकाला है, ये आप देखें कि ये जम गया है, देखें ये जमा हुआ है घी। इसकी अब आपने हैप्पी टू यू करनी है। इसको हम कट करेंगे एक साइड से थोड़ा सा, ये देखें छोटा सा पीस कोई भी आप इसका निकालें। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर से लस्सी जो है वो अभी भी है। ये इसको कट किया, इसको निकालेंगे यहाँ से, ये देखें इसी चीज में इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने छोटा सा सुराख किया था और उस सुराख में से भी देखें कितना ज़्यादा घी निकला है। अब इस सुराख में से इसके अंदर जो सारा पानी है वो सारा हम बाहर निकाल लेंगे। शीशे के बॉल में मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप सब इजीली इसको देख सकें। ये देखें जी, ये एक्सेस वाटर इसका निकल जाएगा। ये देखें, ये देखें इसमें से सारा जो है एक्सेस वाटर बाहर निकल आया है, घी आपका बिल्कुल नहीं हिला। ये देखें, और ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रही थी कि ये होता है छाछ, इसकी एक स्वीडिश बनती है मिठाई, तो बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं तो लिहाजा इसको वेस्ट कर दें, इसको आपने नहीं खाना। ये देखें जी, इस होल में से मैंने सारा इसका पानी और वो छाछ निकाल लिया है। ये देखें अंदर से ये बिल्कुल साफ़ है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मोटी एक तय है। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से करके ये चीज़ दिखा देती हूँ, ये कितनी मोटी तय है देसी घी की। ये देखें, ये सारा देसी घी है। इसको अब मैं चूल्हे पे रख के मेल्ट करूँगी और इसको किसी बॉक्स में डाल लूँगी, और आपके घर पे जो भी चीज़ यूज़ होती है डोल बॉक्स घी के लिए उसमें डालें, तो फिर आपको पता है कि देसी घी जो है वो फिर देसी डोल में ही सचता है। तो इसको मैं देसी डोल में ही डालूंगी मेल्ट करने के बाद। और ये हमारे पास जी, मैंने जो बॉक्स रखे थे भलाई के लिए वो आइसक्रीम बॉक्स थे जो 2 लीटर वाले होते हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास 10 लीटर्स जो है वो भलाई थी। अगर हम आइसक्रीम के लिहाज से देखेंगे वो 2 लीटर वाला बॉक्स होता है, तो उसमें से अगर आपको इतना ज़्यादा देसी घी मिल जाता है तो मेरा ख्याल से थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग ज़रूर बनाएं घर पे। और उसकी लस्सी भी हमने वेस्ट नहीं की, उसके साथ हम जो है वो कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो घर की चीज़ों को यूज़ करें, हाइजेनिक है। बाज़ार से जो आप लेते हैं आपको नहीं पता कि उसमें जो है वो आर्टिफिशियल एसेंस डला हुआ होता है, तो घर की चीज़ इज़ बेस्ट। सो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा देसी घी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखें, ये मैंने तो इसमें डाल दिया है, ये भरा हुआ, ये देखें। और ये आप कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। और ये एक बॉल में मैंने डाल दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें जी, ये देखें, ये सॉफ्ट है। आपका घी इस तरह से होना चाहिए, इसका कलर बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो ये ब्राउन ब्राउन सा होगा और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बड़ी यूज़फुल रही होगी आपके लिए। कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड यू गाइज़ आर माई फैमिली। आई विल मेक एवरी थिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।